हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नेक का ये वाला डिजाइन बनाना सीखेंगे जिसके ऊपर हमने नेट का कपड़ा लगाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले बेसिक कमीज की जो कटिंग होती है वो कर लेते हैं। शोल्डर 6.5, आर्म होल डेप्थ है 7 इंच, चेस्ट है 9 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको काट देंगे। कमीज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग का डिटेल ट्यूटोरियल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। अब हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई 8 इंच ले रहे हैं और एक बेसिक सा वी नेक हम बना रहे हैं, इस तरीके से राउंड नेक। अब हम यहाँ से 1 इंच नीचे लेंगे और इस तरीके से गोलाई करके यहां तक मैच कर देंगे, इस तरीके से। अब हमने इसको काटना है। ये हमारा पैटर्न रेडी है। ये एक पट्टी हम ले रहे हैं, इसको भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये वाला जो हमारा पैटर्न है इसके ऊपर इसको इसके ऊपर रखेंगे और एग्जैक्ट शेप में हम काट देंगे इसको। अभी इसको साइड पे रख देंगे। अब हम पैटर्न के दूसरे हिस्से की कटिंग करेंगे। इसी को गाइडलाइन लेके हम नेट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें इसका गला मोल्ड करना है अपने हिसाब से। पहले मैंने पैटर्न बनाने के लिए इसका गला नॉर्मल 8 इंच लंबा बनाया था। अब हमें इसको बोट नेक बनाना है। यहां से मैं इसको 3.5 इंच चौड़ाई ले रही हूं और इसकी जो लंबाई है वो 4.5 इंच ले रही हूं। अब नॉर्मल जो स्टैंडर्ड तरीका होता है गले की कटिंग करने का, बिल्कुल वैसे ही एक बॉक्स बना के हम लोग इस तरीके से राउंड शेप बनाएंगे इसके अंदर। इसको हम काट देते हैं। ये हमारा ऊपर का पैटर्न रेडी है। अब इसके हिसाब से हम नेट की कटिंग करेंगे। ये मेरे पुराने सूट में से बची हुई नेट है। आप बाजार से इजीली नेट ले सकते हैं। अगर आपको सीक्वेंस वाली नेट नहीं लगानी तो आप नॉर्मल नेट ले सकते हैं। इसको अच्छे से स्ट्रेट करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। एक्स्ट्रा एजेस को ट्रिम कर लेते हैं। यहां से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके हमने इसको काटा है आर्म होल से और गले से भी हम इसको काट लेंगे। अब ये हमने नेक भी काट लिया है। ये पैटर्न हमारा कट गया है, इसका कोई यूज नहीं है। अब हमें सिर्फ नेट को यूज करना है। हम इस तरीके से इसको रखेंगे। ये डिजाइन कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा एंड में। सबसे पहले हम इसकी एजेस को क्लीन कर लेते हैं, यानी कि अच्छे से इसको फिनिश कर लेते हैं एजेस को। इसके लिए मैंने जो पट्टी काटी थी इस तरीके से, ये वाली, इसको इसके ऊपर रखेंगे। और इसको पिंस के साथ अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। ताकि सिलाई करते हुए ये हिले नहीं बिल्कुल भी। आधा आधा इंच पे हम सिलाई लगाएंगे। अब इसको सिल लेते हैं। तकरीबन 1/2 इंच पे हमने अंदर दबाना है इसको, आधे से भी कम हो सके तो। ये देखिए, पिंस लगाने से हमारा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है।
इसलिए पिंस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ भी दो सरफेस को आपस में सिलना है तो आप पिंस ज़रूर लगाएं। ये हम छोटे छोटे ऐसे नॉचेस लगाएंगे हम इसके ऊपर, ताकि जब हम इसको पलटें तो बहुत ही सफाई आए। पिंस रिमूव कर देंगे और इसको पलट देंगे। अब इसको प्रेस कर देंगे हम। ये हमने प्रेस कर दिया है। अब हम इसके ऊपर ये वाली नेट लगाएंगे। नेट को पहले अच्छे से हम बिछा लेंगे और टैप करके सारे के सारे इसके बल निकाल देंगे। हम इसको खींच के सेट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेचेबल कपड़ा है। इसको थोड़ा आपको ध्यान से हैंडल करना होगा। इस तरीके से ये हम कपड़ा इसके ऊपर लगाएंगे और इसको पिंस की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे ताकि ये हिले नहीं। इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे पिंस लगा रहे हैं क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही ट्रिकी है। जो नेट का कपड़ा है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच होता है। अब हमें इसको स्टिच करना है बारीक बखिए से। बहुत ही सफाई से इस पर टॉप सिलाई हमें लगानी है। पिंस को हटाते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। ये जॉइन हो चुका है आपस में, ये देखिए। अब ये मैंने बायस बाइंडिंग काट ली है, जिसको उरेब पट्टी भी कहा जाता है। गोल गले में पाइपिंग लगाने के लिए या पट्टी लगाने के लिए सिर्फ ये ही टाइप की पाइपिंग यूज़ होती है। इसको मैंने अपने पिछले वीडियोस में काटने का तरीका बताया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। इसको काटना बहुत ईजी होता है। अब हम इसको गले पे अटैच करेंगे। उल्टी तरफ से हम इसको अटैच करेंगे ताकि जब हम पलट के इसको घुमा के सीधी तरफ लगाएं तो सीधी तरफ ज़्यादा सफाई दिखे। जब आप ये लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसको लगाते हुए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने नीचे जो नेट का कपड़ा है इसको खींचना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही ढीला छोड़ना है। और ऊपर वाली जो पट्टी है इसको हम थोड़ा थोड़ा खींच सकते हैं। ये हमारी पट्टी लग चुकी है। अब हम इसको पलट देंगे ऐसे बाहर की तरफ, इस तरीके से एक बार मोड़ेंगे और एक बार और मोड़ेंगे और इस पे टॉप सिलाई लगाएंगे। अगर आपको परफेक्ट पाइपिंग लगानी है तो आप अपना हाथ बहुत ही ढीला रखें सिलाई करते हुए। आप इसको खींचे नहीं बिल्कुल भी, बस ढीले हाथ से इसको फोल्ड करते जाएं और इस पे सिलाई लगाते जाएं।
ये हमारी लग चुकी है पाइपिंग, जो कि बहुत ही सुंदर लगी है। ये देखिए बहुत ही सफाई से हमारी पाइपिंग लगी है। अब पिछला जो कपड़ा है हम काटेंगे, इसको एक्स्ट्रा सारा कपड़ा काट देंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करके तुरपाई कर देंगे। ये नेकलाइन हमारा रेडी है। इसको आप ब्लाउज पे भी बना सकते हैं, कमीज कुर्ती पे भी बना सकते हैं, गाउन्स पे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।